Good evening, Jai Hind. Today I just finished my class. बाकी जगह अनअकैडमी की टी-शर्ट पहनी. सो गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. हाउ मेनी ऑफ एनीबडी गोइंग फॉर एपकैट टुमारो? एपकैट रिटन टेस्ट. Can you hear me? Can you hear me? Okay. एक बार तो मैंने बोला पता नहीं. Anybody preparing for the written test tomorrow? I've got मेरे को ध्यान नहीं रहा. Okay. So welcome, Arpit, Satyam, Madhu, हिमांशु, अनीश, प्रज्वल, अनुजा, निशा, सौरव, रितिका, वेलकम टू यू. क्योंकि मुझे ख्याल नहीं रहा कि आज टेस्ट है, तो लोग तैयारी कर रहे होंगे. नेहा, मनीष, पायल, मधु नारंग, गुरविंदर. गुरविंदर एयरफोर्स इज इट? सुमन, शिवम, सुयश, आकाश, दीपक, या सो वेलकम टू ऑल. जय हिंद. अभी आगे आगे शायद मैं तो नहीं, बिकॉज वॉक इंटरव्यू पॉसिबल ही नहीं है ना. प्लेटफॉर्म पे हम कर ही नहीं सकते हैं. गुड गुड, वेलकम प्रतीक. क्या पढ़ाते हो? मैं सब कुछ पढ़ाता हूँ, जीटीओ, साइक. मैं रिटर्न की नहीं तैयारी कराता हूँ, तो साइक टेस्ट, जीटीओ टास्क. जीटीओ टास्क मेरा प्लस कोर्स शुरू हो रहा है 25th से. वेलकम पंकज, कुलदीप, सनी, अंकित, निकिता, आंचल. तो एंड इमीडिएटली उसी के अंदर ही इंक्लूड किया है साइकोलॉजिकल टेस्ट. एंड देन एक दिन छोड़ के अ न्यू कोर्स विल स्टार्ट अबाउट इंटरव्यू. तो इंटरव्यू का इस प्लेटफॉर्म पर पॉसिबल नहीं है. यस, पर्सनली आई डू इट, बट यहाँ पर पॉसिबल नहीं है. नहीं, मैथ्स वैथ नहीं पढ़ा था भैया, बड़ी मुश्किल से एनडीए से निकला हूं मैं. नॉर्मल कर लेता हूं, बट या अनिकेत, रिया, नितेश, आदर्श, विपिन, आकाश, आशुतोष, आदित्य, निशी. हाउ मेनी ऑफ यू कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम? एनीबडी फॉर फर्स्ट टाइम? नहीं, इंटरव्यू मैं यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे नहीं ले सकता हूँ और मैं नहीं लूंगा. या मेरा पर्सनल मैं करता हूँ, पर यहाँ पर नहीं लूंगा मैं. या पॉसिबल ही नहीं है. अभी वी आर ट्राइंग टू, अनअकैडमी इज ट्राइंग समथिंग. वो कुछ अभी टाइम लग जाएगा, पर उसमें मैंने कभी नहीं बोला था कि कोर्स ऑन ओएलक्यू विल कम. ओएलक्यू इज पार्ट ऑफ माई जीटीओ कोर्स. ओएलक्यू वाला जो है उसी के अंदर है. या राधे राधे जी, लिकुन, प्रदीप, ओके, चेतन. आई फाइंड देयर मेनी पीपल हु हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड. गुड, दे कैन अटेंड दोस क्लासेस एंड अदर्स आल्सो. अब मैं आपको कोड अपना दिखा दूंगा, बार बार आता रहेगा तंग करने के लिए. वेलकम तपनिंदर, श्रेय, मेघा, शांतम, मोहन, कौशल. क्या नाम है? शाही. बेटा चेंज करो इसको. आपने, यू विल नेवर बी एबल टू बिकम बोल्ड अगर आप ऐसे नाम लगा के रखोगे, अनलेस इट इज योर नेम. रोहिणी, शिवम, चाली, चौहान, शर्मा, दीपांकर, सिया, अनिल. या इफ यू डोंट माइंड,
सेकेंड मार्च या सेकेंड मार्च तो वो सिर पे आ गया अभी आपका. आई हैव जस्ट फिनिश्ड फॉर 50 स्टूडेंट्स फ्रॉम एसीसी फ्रॉम अ पर्टिकुलर डिप दे हैड क्लियर. तो नहीं ऑनलाइन ही कराता हूं मैं. इन माय प्लेस आल्सो इट्स ऑल ऑनलाइन और यहां पे ऑनलाइन है पर वहां पर जूम पे होती है. या यू ऑल कैन ज्वाइन. एक हमारा ग्रुप बना हुआ है सेम कर्नल रिहाल ऑन टेलीग्राम. यू सर्च फॉर कर्नल रिहाल. देयर इज अन एकेडमी वाला ही हमारा ग्रुप है. या ऑल द बेस्ट टू ऑल द पीपल हु हैव एग्जाम टुमारो एंड ऑल द पीपल हु हैव SSB coming up. All the best to you all. तो अभी मैं ये पर्सनल से थोड़ा आगे चलता हूँ बिकॉज फिर हमारी क्लास पूरी नहीं होगी. एंड आई थिंक दैट दिस क्लास आपने को लगा है कि ये एक आइडियल रूटीन होनी चाहिए हमारी विच विल हेल्प यू इन गेटिंग थ्रू. या वेलकम ऑल ऑफ यू. जय हिंद. अभी मैं पहले ही आपको एक चीज बता दूं कि सेम थिंग ये वो एक गाड़ी इसमें से निकाल के उसमें लगा दिया उसमें निकाल दिया वो नहीं है. एवरीबडी हैव देयर ओन रिक्वायरमेंट्स देयर ओन कैपेबिलिटीज. उसके हिसाब से आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा. ओके सो आई गॉट दिस नाइस पिक्चर. या यार तो उसके पहले जितना है कर लेना यार. अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ फिर तो प्रॉब्लम भी कोई नहीं है आपको. या सो ऑल थ्री सर्विसेज are being represented here. Very quick. आप पढ़ ही लो बस इसको फटाफट. Because this is the requirement I. जैसे आपके apps में free apps में TV में ad आते हैं ना तो थोड़ा सा इसको ad समझ लो. Yeah. So through NDA, 3 years plus 1 year in IMA. After that, 32 years in the army. I was in the artillery. तोपखाना बड़ी बड़ी तोप. Then I was a GTO for 3 years. I was joint director for 3 years, officer selection mein, and I was director recruiting for 3 years. So 9 years I was in the selection organization. So I will be able to give you the three perspectives. Ek, as a candidate, kya sochta hai? Okay, main bhi kabhi tha. Assessor or as a trainer, because now I have been training and I have trained a large number of students for all these things. Abhi aaj maine picture nahi dali kyunki pichli baar maine picture dikha di thi. वन मोर हैज गॉट थ्रू तो वो भी आपको मैं अगली क्लास में दिखा दूंगा. आदित्य कुमार ओके ओके गुड. विच यूनिट. सो वेलकम ऑल ऑफ यू हु आर ज्वाइनिंग. प्लीज डोंट माइंड आई एम नॉट वेलकमिंग यू इंडिविजुअली. आई जनरली डू इट बट आज मेरे को क्लास में टाइम थोड़ा सा वो लग रहा है बिकॉज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स आई वॉन्ट टू टेल यू. तो आई हैव बीन अ मेंटोर एट अटल इनोवेटिव मिशन. यहाँ पर ये जो चीज बहुत जरूरी है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. मुझे चंडीगढ़ की ट्राई सिटी बोलते हैं चंडीगढ़ पंचकूला एंड मोहाली तीन टॉप स्कूल्स आर देयर विद मी टू प्रोवाइड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट टू इनकलकेट क्रिएटिविटी. जो बंद हो गई है ताला लगा के रख लिया है लोगों ने उसको खोलना. यस यस एवरीबडी कैन गो थ्रू. TS क्या है आराम से जाओगे. SSB तो अगर सही ढंग से करोगे तो हो जाएगा. जो मैं बता रहा हूँ ऐसे करो. पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में मेरा फोकस है उस पर रखो. एंड आई हैव टोल्ड यू आई एम नॉट गोइंग टू कोच यू. आई विल मेक यू डू दिस. सोच आपको सोचना है तो यही मैं वहां पर करता हूँ. टू इनकलकेट क्रिएटिविटी इमेजिनेशन एंड इनोवेटिवनेस. ये सारी की सारी SSB में बहुत जरूरी है आपके लिए. बार बार बोलेंगे थिंक फील एंड एक्ट. ये भी होएगा नहीं ताला लग गया तो कैसे खुलेगा. तो इसको जो यहाँ पर भरा पड़ा है ना आपके यहाँ पे ये टैंक पूरा भरा पड़ा है तो उसका जो टैप है उसको खोलना वो बहुत जरूरी है. खोलोगे तो पानी आएगा बंद हो तो नहीं आएगा. थोड़ा खोलोगे तो थोड़ा आएगा. भरा पड़ा है आपके यहाँ. आई हैव बीन ट्रेनिंग स्टूडेंट्स एट आर्म फोर्सेज प्रेपरेटरी इंस्टीट्यूट खडू साहब आर्म फोर्सेज प्रेपरेटरी फतेहगढ़ साहब. आई वॉज डायरेक्टर एट SSB शोर्ट अकेडमी पंजाब दिस पीरियड. एंड यहाँ और यहाँ दोनों जगह कंप्लीट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सारा कुछ वहाँ मैंने क्रिएट किया था. एंड यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली द ड्यूरेशन आई वॉज देयर
तो दे हैड द 10+2 टेंथ के बाद बच्चों को लेके कराते हैं, जैसे महाराजा रंजीत सिंह अकेडमी है उस तरीके से, और रिटर्न ही कोई पास नहीं हुआ था। अब रिटर्न की कोई और करा रहा था, तो देन आई सेड कि ठीक है मेरा काम ही कोई नहीं है, एंड यहाँ पे 6 ऑफ माय स्टूडेंट्स इन द शॉर्ट टेन्योर दे गॉट रिकमेंडेड। या सो टुडेज क्लास इज अबाउट, किस चीज के ऊपर क्लास चल रही है पता है ना आपको? या वेलकम ऑल ऑफ यू। पीपीटी पे क्लास है, रूटीन, आइडियल रूटीन। एक चीज और बता दूं, आइडियल तो हम हो ही नहीं सकते, बट वॉट एवर इज मोस्ट सुटेबल उसकी बात करेंगे हम। फाइनल ईयर इंजीनियरिंग व्हाट एसएस वी कॉल इट और एसएस सी टेक, बट आई एम नॉट गेटिंग डिग्री। नहीं, आप जाओ, जब आपका कोर्स शुरू हो रहा है उस टाइम तक आपके पास डिग्री होनी चाहिए। यू कैन कैरी योर प्रोविजनल मार्कशीट, वो यूनिवर्सिटी दे देती है, ये कॉलेज से लिखवा लेगा कि हैज अपीयर्ड इन द फाइनल एग्जाम, वो लेके जाना साथ में, बिकॉज दिस वॉज अ डाउट फ्रॉम आशुतोष, आई थॉट इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ये कि एस एस बी छोड़ ही ना दे इसके चक्कर में। या तो अभी ये जो रूटीन है, आप देखो इसमें क्या क्या चीजें हैं और इनमें से कौन सी चीजें आप करते हो, जस्ट अपने मन ही मन में आपने ये आंसर करना है। आई होप यू कैन मेक आउट। लैपटॉप, पढ़ाई, दिस इंक्लूड्स रीडिंग न्यूज़पेपर्स एंड एवरीथिंग एंड योर ओन एकेडमिक थिंग्स। नेक्स्ट वन, ब्लू वन इज हॉबीज, देन यू ऑल्सो मस्ट बी अटेंडिंग लॉट ऑफ क्लासेस ऑनलाइन और अदरवाइज। या एंड वो राइट साइड सबसे टॉप राइट पे क्या कर रहा है, मैंने ज्यादा वेट नहीं दिया उसको, जिम वगैरह, एक्सरसाइज, स्टेइंग फिट। सिमिलरली नीचे भी जो थोड़ा सा मेरे पीछे जा रहा है बंदा, मैं इधर उधर हो जाता हूँ थोड़ी देर के लिए। या एंड वॉचिंग न्यूज, एंड एक इसको मिस नहीं करता ना, थोड़ा छोटा सा है ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, हेल्पिंग योर पेरेंट्स, अपनी फैमिली में दूसरों को, ये सारा कुछ बहुत जरूरी है। तो उसको करेक्ट करवा लो, आप करेक्ट करा लो, एक एफिडेविट वगैरह का प्रोसीजर होता है वो बनवा के आप उसको करेक्ट करवा लो, ये बोर्ड से होगा क्लियर। ओके, इफ यू हैव रिकवर्ड देन देयर शुडंट बी एनी प्रॉब्लम। मेरा भी शाम से ऐसे बैठा हूं, मेरे को बड़ा यहां पर भी पेन हो रहा है, अमेरिकन में कोई टाइम ही नहीं मिलता है। आई हैड ए स्टूडेंट, ही क्लियर्ड, अनफॉर्चुनेटली उसकी वजह से सर्वाइकल उसका काफी ज्यादा था, ये जहाँ दो डिस्क में बहुत ज्यादा फ्यूजन हो गया था, एंड इज ए स्टेट लेवल, नेशनल लेवल प्लेयर, स्विमर है। ओके, सो ऑल दिस इंजरी, और ये क्या है, या वेलकम ऑल ऑफ यू, या फ्रेंड्स, तो ये भी जरूरी है। और ये क्या हो रहा है, तो आई हैव फोकस्ड मोर ऑन आउटडोर गेम्स, इंडोर भी खेलते हो ठीक है, बट ये हमारे अंदर टीम स्पिरिट को लेके आती है। या सोशलाइजिंग इज हेयर, ये भी सोशलाइजिंग का हिस्सा है, ये देखो आप न्यूज भी देख रहे हो तो अकेले नहीं बैठे हो, तो ऑल दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, दे हैव टू बी पार्ट ऑफ योर रूटीन। नाउ एक कहावत है, इट्स ए वेरी करेक्ट थिंग, वी बिकम व्हाट वी रिपीटेडली डू। हाँ, लेके जाओ यार, देखो आप एफिडेविट लेके चले जाओ, बोलो ये है मैंने अप्लाई किया हुआ है, वो एप्लीकेशन की कॉपी साथ में ले जाना ना, कोई अपने ऑनलाइन जैसे अप्लाई कर रहे हो वो सब ले जाना, थोड़ा पहले सोचनी चाहिए ये चीजें, क्योंकि ये बड़ी इंपॉर्टेंट क्वालिटी है, बींग प्रोएक्टिव, समय आने के पहले सोचना और उस पर एक्शन करना, अदरवाइज इट बिकम्स रिएक्टिव, एंड एसएसबी में दे आर नॉट लुकिंग फॉर दिस। नो नो यार, अगर बिग अचीवमेंट, इज इट इंपॉर्टेंट टू हैव बिग अचीवमेंट्स इन बीटेक डिग्री, तो देन दे वुड हैव, यू सी इफ यू आर गोइंग बीटेक, तो एक कट ऑफ के बाद ही आ रहे हो ना, everybody is not 99% 90% or
नेशनल खेला है, एवरीबडी डजंट डू दैट। आप गली में फुटबॉल खेले हो, स्कूल में इधर उधर टीम में नहीं थे, खेला है, राइट दैट एंड देन यू राइट स्कूल लेवल। अगर कोई लेवल नहीं है उसमें, ठीक है लिख देना, ये आगे चल के वेन एवर वी हैव द पीआई की थिंग, और यू मस्ट हैव अटेंडेड सम क्लासेस फ्रॉम अदर गुड असेसर्स, तो आपको बता दिया होगा ना बेटा, ये आपके जो ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन में लिखा है ना वो देख के नहीं जाता, इसमें कौन सी घबराने वाली बात है, करेक्टर सर्टिफिकेट। एक गाना था, थोड़ा करेक्टर ढीला है थोड़ा वो चल जाता है। सो हाउ मेनी एग्री विद मी दैट वी बिकम व्हाट वी रिपीटेडली डू, लेट्स सी हाउ मेनी एग्री विद मी। अब ये मत सोचना कि मैंने लिखा है तो सही होगा, मैं कई बार चीटिंग भी कर लेता हूँ। इफ एनीबडी हैज टेकन माय क्विज यस्टरडे, तो we become what we repeatedly do. If it is true, then right, yes. Nice to see some people are not agreeing. अरे पॉल पे कर दो यार, but ideal तो है ना, you should be able to answer. Question has been asked, is it necessary to answer all questions in SSB interview? Yes, why not? किसके बारे में है? आपके बारे में है, आपके जनरल अवेयरनेस के बारे में है। इफ यू डोंट से व्हाट आर यू शो दी ट्राइंग टू हाइड थिंग्स और यू डोंट हैव एनी आइडिया, जनरल अवेयरनेस अगर आपकी नहीं है तो, बट इफ यू डोंट नो से सॉरी सर आई डोंट से सॉरी सर आई विल फाइंड आउट एंड लेट यू नो। कहाँ से फाइंड आउट करके कहाँ जाके सर को कहाँ मिलोगे बताने के लिए, तो आई विल टेल यू इन द कॉन्फ्रेंस। नो, अगर कोई मिस हो गया तो उसको पढ़ लेना कॉन्फ्रेंस के पहले, क्लियर कर लेना। बहुत प्रॉब्लम, देखो अभी वो आर्मी वाले अपने तरीके से देखेंगे, आर्मी एयरफोर्स नेवी वाले, दे विल गो टू मच इन डिटेल्स, तो दैट चांस यू मस्ट टेक, डोंट लीव इट। अ वेरी ऑब्वियस स्क्रीनिंग इज द मोस्ट क्रिटिकल बिकॉज यू विल नॉट गो टू स्टेज टू, सो इट इज द मोस्ट क्रिटिकल। इसलिए मैंने आपको पीपीएनडीटी की दो सेशंस लिए हैं ऑन यूट्यूब, सो दैट मोर रीच वॉज देयर। एंड इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखो आई एग्री विद यू दैट सम एलिमेंट ऑफ लक कम्स इन, उस दिन आप नहीं कर पाए, उस दिन ऐसे आपके ग्रुप में कुछ डिस्टर्बड टाइप आ गए, उस दिन कुछ हुआ, दैट हैपेंस, बट देन इट इज नॉट दैट के नहीं, तो देखो कैसे हैंडल करेंगे, तो ज्यादा बच्चों को चांस भी मिल रहा है। बट आप मेरी ओंकार, आप मेरे इसके YouTube पे अनअकैडमी में आपको मेरे पहले नाम डालो, ये क्लास मिल जाएगी पीपीएनडीटी की, दोनों का दोनों सेशन ये मैंने कवर किया है उसमें। यार ये मेरे को नहीं पता, अगर डाउट होगा तो करेंगे वो, देन दे विल मेक यू अनफिट एंड देन दे विल डू इट इन अ बिगर हॉस्पिटल अगर वहां फैसिलिटी नहीं है। नाउ देयर इज 1%, सो इट मे बी 1% हु हैज सेड के नो इट इज नॉट ट्रू, माय दिस थिंग इज के इट इज ट्रू। आपको क्यों नहीं लग रहा तो आप जरा जल्दी से पूछ लो, डजंट मैटर यार, तो दोबारा कर दो, इस बार पार्टिसिपेट करना, ओआईआर पे बड़ा ध्यान देना। या रीडिंग इज हॉबी, इफ यू अपने जो स्कूल वाली किताबों के अलावा जो भी आप पढ़ते हो कॉलेज के अलावा, दैट इज अ हॉबी, दैट वाज माय हॉबी, इट इज माय हॉबी स्टिल। चाहे फाइनल सेट के हो, चाहे आप कर चुके हो, माइंडसेट तो बड़ा फ्लेक्सिबल होना चाहिए। मेरी माइंडसेट के ऊपर भी क्लास है, वो भी आप देख लेना। आई हैव टेकन ऑल दिस क्लासेस टू बी हैव अ लुक। कोचिंग तो नहीं चाहिए किसी के लिए भी, सोचिंग चाहिए। एएफएसबी नॉर्मल एसएसबी सबके लिए यू गेट एन आइडिया, यू नो हाउ दे आर लुकिंग एट इट एंड हाउ यू कैन शो योरसेल्फ देयर। After all, you have to sell yourself. तो आप दिखाओगे अपने qualities, तो देखेंगे, नहीं दिखाओगे blank paper देके आगे side को, idea बड़े थे, number थोड़ी मिलेगा आपको। यार अभी मैं NCC special entry just take out जो notification है, you'll get everything there. SSB remains same. Narration part, please see that. अभी मैं आगे class ले लूँगा, or you see my video. Why only 10-15% people make it to stage 2. This is not on Unacademy, but आपके फायदे का है,
कर्नल भूपिंदर सिंह रेहाल पीपीएनडीटी, तो उसमें दो तीन मिल जाएंगे आपको, ये वाला ढूंढ लेना उसमें। एंड एक पहले मैंने जब शोर शॉट में था तब बनाया था, टू एक्सप्लेन व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट विल बी द आउटकम, तो वो वीडियो भी आप देख सकते हो। उसके लिए आपको श्योर शॉट पंजाब टाइप करना पड़ेगा, वहाँ एक ही वीडियो है तो वही मिल जाएगा यूट्यूब। यस, और कर्नल भूपिंदर सिंह रेहाल पे आपको मेरे पर्सनल एंड अन अकेडमी के सारे आपको मिल जाएंगे, नर्वसनेस के ऊपर, इम्प्रूविंग इफेक्टिव इंटेलिजेंस, इम्प्रूविंग कॉन्फिडेंस, इम्प्रूविंग रीजनिंग एबिलिटी, सारा मैंने कवर किया उसके ऊपर। ओके, सो इट इज ट्रू, जो आप पहली बात जो आप रेगुलरली सोचते हो वैसे ही बन जाते हो, करने की तो बाद की बात है, और करते आप वही हो जो जैसे आप सोचते हो, तो जो आप करोगे आप वैसे ही बन जाते हो, ये दिस इज ए फैक्ट। तो इसकी वजह से रूटीन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसकी मर्जी है, बता दी अच्छी बात है, यू शुड टेक इट पॉजिटिवली, अच्छी बात है। अभी ये मत बता रहे कि सर सो एंड सो ही इज नॉट, उसने बता दिया आपको, कोई बात नहीं। नो, देखो चार चाबियां हैं सक्सेस की, ये क्या है ये आज मैं बताऊंगा। पहली है कंसिस्टेंसी, आप जो भी करते हो कंसिस्टेंटली, एक्यूरेसी भी होनी चाहिए। मान लो ये टारगेट है आपका और वेरी कंसिस्टेंटली यू हिट हियर, पांच गोली फायर की यहां कर दी, तो यू हैव कंसिस्टेंसी, बड़े कंसिस्टेंट हो आप, लेकिन एक्यूरेसी नहीं है, आपके सारे राउंड इधर 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 आए, दैट मीन यू आर एक्यूरेट एंड कंसिस्टेंट। SSB में consistency is very very important. What role do you take in the SSB? In each task, in everywhere, which task, what role? आप ट्रेन का इंजन बनते हो कि डब्बा बनते हो, या वो जो पीछे पीछे भागता है ट्रेन चली गई और रुको रुको, या उसका डेरी में जाते हो, ठीक है, मैसिव एक्शन। शेख चिल्ली बनने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू टेक एक्शन, कर देते हैं थोड़ा उससे नहीं, पूरे जोर शोर के साथ मोटिवेशन, दैट्स वी कॉल इट मैसिव एक्शन, डजंट मैटर धनंजय। एंड या यू कैन, इट्स अ वेरी आइडियल टाइम उत्कर्ष, आई एम इन क्लास 10, शुड आई स्टार्ट माय प्रिपरेशन, मेरे को पर्सनैलिटी है, पर्सनैलिटी आप 2 साल आपके पास है, मेरे पास एक बच्चा आया तो उसने मुझे बोला सर मुझे अपनी वीकनेस पता लग जाएगी तो मैं उसको इम्प्रूव कर लूंगा, गुड यार 2 साल में तो अच्छे से कर लेना, ये सेम प्रोसीजर SSB AFSB नेवल बोर्ड एंड सेल्फ डिसिप्लिन, ये 3 चीजें तो बहुत जरूरी है, इनके बिना यू विल नॉट बी, जब तक आप कोई भी चीज करना चाहते हो ये नहीं करोगे तो आप अपना गोल जो अचीव करना चाहते हो कैसे उसको पकड़ पाओगे। These are the key requirements. चाबी है ये सक्सेस की, और एक साथ में है, बिकॉज इससे क्या होता है, यू गेट मेंटली फोकस्ड, फोकस तो मेंटली होता है, तो यू गेट फोकस्ड, यू रिमेन मोटिवेटेड टू नॉट गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम, ये आपका गोल है तो ये इधर इधर ये आपको नहीं जाने देगा, यू दिस विल मोटिवेट, दीज 3 things, एंड द 4th thing इज योर रूटीन। Now your routine consists of, हम बोलते हैं ना पूजा, पूजा करते हैं तो पूजा के अंदर कुछ rituals होते हैं, you know, दिवाली होती है, दिवाली के अंदर कुछ rituals होते हैं, चांदी का सिक्का, ये वो लक्ष्मी जी की मूर्ति बाजार से कुछ, तो वो rituals होते हैं, पूजा होती है तो उसमें हवन होता है, हवन के अंदर भी कुछ rituals होते हैं, पहले आपका वो, हमने बहुत किया फौज में तो ये मेरे बधाई रहता है, वो पंडित जी बांध देते थे, आजकल तो ऐसे ही कोई ये, तो ये सारे कार्रवाइयां होती फौज में, तो हमारा सब कुछ वो होता है ना। ओके, या वेलकम ऑल ऑफ यू, दोज हु हैव जॉइंड एमिटेड, हाउ टू स्टे डिसिप्लिन्ड, मेरे पास आ जाओ तो मैं डिसिप्लिन करता हूँ, दो डंडे लगा के, पर बिना डंडे के, सेल्फ पेरेंट योर सेल्फ, अपना पेरेंट बनो, उतनी देर के लिए पढ़ने के लिए बैठा हूं 2 घंटे के लिए पढ़ूंगा, आई वॉन्ट लेट माई माइंड गो हेयर एंड देयर। अब मैं आपको वो थोड़ी लंबी क्लास है कि कैसे आप अपनी हैबिट्स को चेंज कर सकते हो, व्हाट आर योर हैबिट कंसिस्ट ऑफ। आई लिव इन चंडीगढ़,
उसका ऐसे कोई ताल्लुक नहीं है आपकी रूटीन से. सो लेट्स फॉरगेट अबाउट दिस. सो योर रूटीन कंसिस्ट्स ऑफ सर्टेन रिचुअल्स. रिचुअल्स है जो चीज आप डेली के डेली करते हो. उसके बिना आपकी पूजा अधूरी है, उसके बिना आपकी रूटीन अधूरी है. एंड दीज आर वॉट कंसिस्टेंट एक्शंस जो आप रोज आपने कंसिस्टेंटली लेनी है डेली. कंसिस्टेंट एक्चुअली डेली पहले आ रहा था. कंसिस्टेंट डेली एक्शन विच यू टेक फॉर व्हाट पर्पस? टू बिल्ड योर हैबिट्स. रूटीन होगी तो आपकी हैबिट बन जाएगी. ओवर ए पीरियड ऑफ डेज, वीक्स, मंथ्स, ईयर्स. कई चीजों में बहुत टाइम लग जाता है, कुछ जल्दी जल्दी हो जाती है. अभी आपको मैं एक वेरी क्विकली, जो पहले वाले स्टूडेंट्स उनको पता, बाकी ऐसे बैठ, जस्ट सिट लाइक दिस ऑल ऑफ यू. वैसे ऐसे भी मत बैठना, पर अभी ऐसे बैठो जरा. नाउ नोटिस कौन सा हाथ ऊपर है, कौन सा आपका, कौन सा नीचे है. ओके, नाउ चेंज इट. अभी उल्टा करो उसके ऐसे. मैं तो वो क्लास में कराते रहता हूँ तो मेरे को आदत से है, लेकिन आपको लगेगा ये ऐसे हो जाता है. तीन दिन तक आप उल्टा वाला करो, जो गलत वाला है. गलत नहीं, जो मतलब आप ऐसे करते थे तो अभी मैं भी कंफ्यूज हो गया. ऐसे बैठते थे तो अभी दो दिन, तीन दिन ऐसे बैठो. फोर्थ डे जो पहली वाली पोजीशन आपको ऑकवर्ड लगेगी. हाँ तो मिलोगे यार, जब आप सिलेक्शन हो जाएगी आके हाथ मिलाना. मेरे बहुत सारे बच्चे मेरे साथ आके हाथ मिलाते हैं, तो आपसे भी आई विल एक्सपेक्ट राहुल. ओके, तो ये ड्रीम्स जो छोटे छोटे होते हैं, इनका कुछ नहीं होता. बिकॉज इनसे क्या होता है, जो आप हैबिट्स बनाओगे ये इंटरडिपेंडेंट है. दे विल शेप योर थॉट्स. वैसे ही फिर आपके वो थॉट्स को शेप करेंगी, आपके बिलीव्स को शेप करेंगी. ये सारे मेरे उसके थे, मैं क्या करूं. आपके इमोशंस को वो शेप करेंगी. वो आपको गलत इमोशन को नहीं आने देंगे, गलत थॉट को. आप ही या तो बोलेंगे कल्चर हट, घूमने जाता हूं. Are you getting my point? And the other thing is, these are, जैसे आपके thought आएंगे वैसी आपकी habit बनेगी. जैसे आपकी beliefs हैं ऐसी आपकी belief बनेगी. वो change करने नहीं देंगी आपको. आपकी emotion आपको यार it's very painful यार, नहीं यार वो आप नहीं करोगे. तो ये बड़ा क्या reverse जो दोनों तरफ को होता है. स्कूल में तो पढ़ा था, भूल गया हूँ. तो दोनों एक्शन आर होती है. ऐसे हो तो वैसे हो जाओगे, और वैसे हो तो ये बन जाएगी आपकी आदत ऐसे. और एक चीज आप कभी नोटिस करना, आपके कुछ डेली रिचुअल्स आप करते हो, यू आर ऑलरेडी डूइंग सम रिचुअल्स, यू आर ऑलरेडी डूइंग. या एक्शन रिएक्शन, ठीक है. सडन थिंग जो नेम समथिंग विच यू रोज करते ही करते हो. पूजा ओके, और भी कुछ ज्यादा आप करते हो, शायद सुबह उठते ही करते हो. नहीं, मेडिटेशन के पहले शायद दांत वांत साफ करते हो. इजंट इट, दैट इज आल्सो अ रिचुअल. एवरी डे यू डू इट, चाहे दाएं हाथ से करते हो, चाहे बाएं हाथ से करते हो, चाहे ऐसे ऐसे करते हो, चाहे ऐसे ऐसे करते हो. एक आपने अपना रिचुअल बना रखा है. सुबह उठते ही पानी पीना. कई लोग करते हैं ऐसे, दो ग्लास तीन ग्लास पानी पी लो. क्लास तो बड़े अफसर ठहर के अटेंड करोगे, उसके पहले भी आज कुछ चीजें करते हो. तो लाइक डूइंग दिस ब्रशिंग एंड डूइंग हैविंग योर ब्रेकफास्ट. कभी कभी हम अपना एक फेवरेट सैटरडे को, मैं आई डोंट लाइक टू मिस वन एक इंडियन आइडल और एक कपिल. आई लाइक टू सी दैट. कपिल तो छुट्टी मार गया अभी. तो दैट हैज बिकम माई रिचुअल, बट इट इज नॉट ए डेली रिचुअल, इट इज ए वीकली रिचुअल. Every morning somebody is going for running, so that is his ritual. जाना ही जाना है उसने. तो ये rituals को जोड़ जोड़ के आपकी routine बनेगी. मैंने कुछ आपको कुछ rituals अभी ऊपर पहले उस picture में दिखा दिए थे. तो हम बहुत सी चीजें करते हैं, generally same time पे ही करते हैं उनको, especially on the weekday. Sunday को यार आज आप देख लेना. अभी मैं आप आऊंगा, चलो उस बात पे फिर अभी नहीं बता रहा हूँ. एंड जो आप सही rituals करते हो, एक्सरसाइज करते हो, योगा करते हो, रनिंग करते हो, एक दिन ब्रश किए बिना चले जाना, देखो कैसा फीलिंग होगा आपको. शेविंग का तो चलता है ना आजकल, बढ़ा ली
तो कई लोग शेविंग नहीं भी करते हैं, पर फौज में हो तो शेविंग करनी भी पड़ेगी आपको। तो दीज थिंग्स यू आर डूइंग एंड ये आपके पूरे दिन को शेप करते हैं, सारे दिन के आपके डिसीजंस पे इनका इफेक्ट आता है। एफेक्शंस विच यू टेक, इफ यू आर मेडिटेटेड यू आर मोर काम, एक्सरसाइज की हो तो यू अंदर से आपके अंदर एक एनर्जी रहती है, यू फील मोर मोटिवेटेड। यानी खाना तो खा लिया करो यार, वो भी एक बड़ी जरूरी चीज है। जैसे कि ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक ए किंग एंड डिनर शुड बी लाइक ए योगी, साधु की तरह। रात को थोड़ा कहूँगा सुबह तो दबा के खाना चाहिए, सारा दिन आप जो एक्टिविटीज करते हो, कई लोग नहीं करते हैं, यू आर हार्मिंग योर बॉडी। सो ये आपकी लाइफ और आपकी डेस्टिनी को शेप कर रही है, किस्मत आपके हाथ में है तो उसको ये शेप कर रही है। अगर आप बिना ब्रश के नहीं खाते, ठीक है ना, नहीं खाते लगता खाना, कई लोग होते हैं चलो चाय पी लेते हैं, बिस्किट खा लेते हैं, कई लोग वो भी नहीं करते हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट दैट। तो ये रिचुअल्स, और आप अकेडमी में जाओगे तो फिर तो मतलब रूटीन के अंदर ही जाओगे। नाउ सम ऑफ दीज थिंग्स फील गुड, जो रिचुअल करते आपको अच्छा लगता है वो करने के बाद में, सम थिंग्स यू डोंट फील गुड, यू वॉन्ट टू डू वेट लॉस बेटर टीवी यार वन, योर सिस्टर वाज हैविंग चिप्स, लाए मुझे भी दे, तो आपने चिप्स खा लिए, बाद में यू मे बी फीलिंग बैड अबाउट इट, या आपने एक दिन एक्सरसाइज नहीं की। और तो वो अच्छे काम तो कर रहे हो तो वो बहुत अच्छी बात है, पर कई चीज हम गलत कर लेते हैं, यू नो वेट कंट्रोल का वो स्नैकिंग करे जा रहे हो, चिप्स खाए जाते हो, तो ओवर इंडल्जिंग इन सोशल मीडिया, ये तो बड़ी भयानक बीमारी है आजकल। डोंट ओवर इंडल्ज, यस बी पार्ट ऑफ इट, थोड़ा मेल जोल रहता है, बट डोंट ओवर इंडल्ज, लॉन्ग टर्म इट विल लीड टू रिग्रेट्स। ये लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म में बड़ा अच्छा लगता है, लॉन्ग टर्म में इट विल बिकम ए पेन। फिर सर वो एसएसबी में ये नहीं बताऊं तो क्या होगा, सर ये एसएसबी में कैसे बताऊं कि ये क्या हुआ, एसएसबी में ये पूछेंगे तो क्या होगा, आपको ये पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि अगर आपने जो टाइम वेस्ट नहीं किया होता, एक रिचुअल आपने बना के उसके मुताबिक, और इसको हम बोलते हैं पेन एंड प्लेजर प्रिंसिपल, हम पेन की तरफ भागते हैं या पेन से अलग भागते हैं, दूर भागते हैं, या प्लेजर की तरफ भागते हैं। और हमारी एक ये जो बीमारी है ना आजकल बच्चों में थोड़ी ज्यादा है, सभी में होती है पर आप में कुछ ज्यादा है, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अभी मिल जाए मुझे, अभी देख लो फोन पे टिंग है, अभी देख लो, अरे यार उनको बंद करके रखो, बाद में 10-15 मिनट बैठ के सब देख लेना, सबके वो स्माइली स्माइली थम्स अप ये जो भेजने भेज देना, बट इनिशियली जैसे ही बजने मन करता है उसको उठा लो, ये कर लो वो कर लो, डोंट गो फॉर इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन। आपने खाना खाया हुआ है, अभी मन कर रहा है स्नैक्स खा लूं, इट इज, और आपके लिए अच्छा नहीं है तो डोंट हैव इट। दिस यू सी ऑल दिस केसेस वी हियर, रोड रेज, दूसरा मैं लिखूंगा नहीं, रेप, मर्डर, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन, अब जस्ट नो। और तीन बच्चियां बेचारी, दे हैव बीन फाउंड डेड, आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड, अभी लॉट ऑफ लैक ऑफ पेशेंस, यस, तो यू हैव टू शो पेशेंस। और वो बचपन में होता है, दैट इज, दिस इज ए एनिमल इंस्टिंक्ट, आप एनिमल नहीं हो, आप ह्यूमन बीइंग हो, जो चाहिए अभी कभी चाहिए, बस छोटे बच्चे थे तब था, ये टॉय चाहिए लेना है लेना है लेना है, वो सड़क पे लेट जाते थे बाजार में, हल्ला बजा दिया, थप्पड़ ही पड़ जाते थे, कभी कभी चीज मिल भी जाती थी, अगर नहीं मिलती थी तो बहुत अच्छा था, और हर बार आपको मिल जाती थी रोने पे, देन दिस थिंग बिकम्स स्ट्रॉन्ग, फिर वो आदत निकलती नहीं है। ये सारे बिगड़े हुए बच्चे करते हैं ये सारी चीजें। ऑब्स्टिनेट, गुड, ऑब्स्टिनेट नहीं है, अच्छा बचपन में मम्मी बोलती है देखो ये कितनी अच्छी बच्ची है, आपका एग्जाम्पल देते होंगे, या योर पेरेंट्स विल बी अप्रिशिएटिंग इट, एंड दैट इटसेल्फ इज ए वेरी बिग रिवॉर्ड, रिवॉर्ड योरसेल्फ, जब आप अपने रूटीन को फॉलो कर लेते हो, रिवॉर्ड योरसेल्फ, कीप सम रिवॉर्ड, चलो यार आज मैं 2-5 मिनट एक्स्ट्रा सोशल मीडिया देख लेता हूँ, आज मैं थोड़ा एक सीरियल और देख लूंगा, थोड़ा मोटे मोटे छोटी छोटी आप रिवॉर्ड उसके लिए रखो। और सीधा गायतोंडे साहब आ गए, भी डर लगता है, ये नाम एकदम से मुझे दिखा, हाँ जिद नहीं करनी है। तो इम्पल्सिव एक्शन
ये एनिमल इंस्टिंक्ट है, डॉग्स एनिमल सबकी ये होती है। अगर हम पॉजिटिव चीजों को अपने रूटीन में लाएंगे, रिचुअल्स को लेके आएंगे जो हमको आगे बढ़ने में मदद करते हैं, तो दे आर एम्पावरिंग, नहीं तो वो लिमिटिंग है जो आपको अपने गोल की तरफ लेके जाए। जो नेगेटिव है, जो लिमिटिंग वाले हैं, वो आपको अपने गोल से भटका देंगे। दे लीड यू एस्ट्रे, जाना यहाँ था यहाँ पहुंच गए, फिर वही फिर बहाने मारो ये करो। तो इसकी चाबी क्या है, वेयर इज द की? टू डेवलप अ सेट ऑफ दोज बिलीव्स विच गिव यू पावर। Empowering beliefs. और ये तो अपने आप आ जाएंगी, empowering rituals. ये तो मैंने करना ही है, ये एक्चुअल मेरे रूटीन का हिस्सा है। देखो कैसे गोल नहीं मिलता आपको, अब कैसे करें, ये प्रॉब्लम है। सुनने से बड़ा अच्छा लगता है लेकिन थोड़ा करने में मुश्किल आती है। जस्ट रीड दिस ऑल्सो। Every successful and unsuccessful person has one thing in common. क्यों, अंबानी को ज्यादा मिलते हैं क्या, मिस्टर मोदी को ज्यादा मिलते हैं क्या, बिल गेट्स को, वो एलन मस्क को? दे गेट ओनली 24 आवर्स लाइक यू। ओनली डिफरेंस इज हाउ दे यूटिलाइज इट। कई लोग होते हैं, हमारा बच्चा तो जी 18 घंटे 19-20 घंटे पढ़ता रहता, तो 4 घंटे भी नहीं सोता था, मार्क्स नहीं आए उसके, तो देन वो स्मार्ट स्टडीज भी करनी पड़ती है। रूटीन में नहीं बनाइए, लगे वो ये भी बोलो ये बोलो ये बोलो, सिस्टमेटिकली करोगे तो रूटीन इज पार्ट ऑफ वर्किंग सिस्टमेटिकली। यस, हाउ यू यूटिलाइज दैट टाइम विच इज गिवन टू यू, ये सारी चीजें उसी के अंदर आपने करनी है, उसी 24 घंटे के अंदर जो कुछ मेरे पीछे है और कुछ मैं शुरू में आपको दिखाई दिया था। अभी क्या है, आप जो बेसिक आपका जो इच्छा है और जो प्रॉब्लम है, प्रॉपर प्लानिंग इज ए मस्ट, और उस प्लानिंग के अंदर आपने रिचुअल्स डालने हैं। रिचुअल्स आपके एक आदत बन जाएगी, वो करोगे तो आपकी प्लानिंग भी ठीक होगी आगे चल के। तो ऐसे में आपको क्या चाहिए, स्टेज वन के लिए आपको क्या चाहिए, आपका ओएलए टेस्ट होता है तो रीजनिंग की कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, नरेशन की कैपेबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पिछली क्लास अटेंड की थी और उसमें मेरे से पूछा कि सर इंग्लिश का प्रॉब्लम है तो क्या करें, सर हिंदी में बोल सकते हैं? अरे यार, मैंने बोला था ट्राइपॉड दिखाया था उसमें फोन लगाओ प्रैक्टिस करो, कितनों ने की, कितनों ने करी? Those who are done, you will get the value out of it. हाँ, नेहा तो बोलेगी नेहा was the first one to acknowledge them first day. Sir, I do it and it has helped me. If it has helped her, it will help everybody. मैं तो ऐसे से लोगों को बोला जिनको बिल्कुल नहीं आती थी and they started. कुछ गलतियां करते हैं, ठीक है, that's okay. तो वो डर निकल जाएगा आपका, और डर ही तो आपको रोक रहा है. So, ये narration की practice बहुत जरूरी है. You write your story, narrate. Write your story, narrate without referring to it. स्टोरी आपकी है, वहां उठा के उसको ऐसे लग जाते हैं, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और कुछ नहीं. प्रिपेयर, तैयारी करो. आज मैंने कहीं और रख दिया, बाय समथिंग लाइक दिस. आज तो बैकग्राउंड भी ठीक है, ये हेलीकॉप्टर नहीं है, इसे ट्राइपॉड, एंड उसके ऊपर ये आते हैं ऐसे, पता नहीं लगा लगाया भी आता है ये. यू कैन रोटेट इट ऐसे ऐसे एंड पुट योर फोन इन दिट. हाँ, ट्राइपॉड स्टैंड विद दैट फोन का एडेप्टर, और उसमें लगा के वीडियो रिकॉर्डिंग करो. जो अपनी वीकनेस है उसको लड़ो, उससे चैलेंज करो उसको. एवरी काइंड ऑफ फियर विल रन. आपका फियर है एम्बेरसमेंट का, आपका फियर है मेकिंग मिस्टेक्स का, आपका फियर है कि कोई क्या बोलेगा, से गलती हो गई, लोग क्या कहेंगे. अरे लोगों का काम है कहना, आपको से मतलब नहीं, आपको तो एसएसबी की फिक्र करो वहां क्या कहेंगे. याद है क्लैंप इज रिक्वायर्ड. एक वो आता जो स्प्रिंग टाइप का होता है, वो बड़ा गंदा है वो. एक बार मेरा फोन उसमें से जंप करके निकल गया था, और उसकी वो जो फिर वो स्क्रीन वगैरह उसकी जो कवर वगैरह खराब होने लग गया था.
तो ये अच्छा है, इसको ऐसे आप जितना टाइट करना कर लो, शेप बड़ी अच्छी है, प्राइस वही है बेटा। अभी ये तो विल हैव ए क्लास ऑन हाउ टू एनालाइज वन मिस्टेक्स, आप देखो ना जो आपने किया उसका रिजल्ट क्या मिला आपको, सो देयर वाज अ मिस्टेक व्हिच डिडंट गिव यू योर रिजल्ट। सो रीजनिंग, आई रेड इन समबडीज बुक के इंट्रोस्पेक्शन कभी मत करो, एंड आई एम टेलिंग यू वन असेसर सेड यू विल गो रॉन्ग, असेसमेंट करो, ट्रू इंट्रोस्पेक्शन करो, कहानियां नहीं डालो उसके अंदर, डोंट गो बाय द अदर पीपल। आंसरिंग स्किल, नॉलेज गेन करो, नॉलेज होगा तो आप अपने आप ही करोगे। एंड ये चीजें मैं बार बार बताता हूँ, आपके पास आई एम वेरी श्योर यू मस्ट बी फुल ऑफ कंटेंट, पढ़ते रहते हो, नॉलेज की भरमार है, बट द नॉलेज इज डेटा। अभी जो चीज वहां पूछी गई वो कंटेक्स्ट है, पिक्चर कंटेक्स्ट है, जीडी का टॉपिक कंटेक्स्ट है, लेक्चर कंटेक्स्ट है, यू हैव टू bring out that data which goes into this, not like this jo tangent ban ke chala jaye ya idhar ko ja raha hai, no, whatever is relevant, hum asli kaam nahi kar payenge aaj apna. So you have to prepare for your reasoning, you have to prepare for your narration, story writing is ideas lane ki koshish karo, jab karte jaoge to ye aapko isko pata lagega ki bhaiya चारा नहीं है, मेरा बॉस जो है ना ये तो मेरा बैंड हो जाएगा ये, अगर मैं आइडिया नहीं दूंगा। और बताओ अमेज़न का ऐड और दिखाओ, ऐसे आप करो, फोर्स करो, राइट, एक पिक्चर के ऊपर तीन स्टोरी लिखो, विच शुड नॉट बी सिमिलर। आई इन माय पीपीएनटीटी क्लास आई शोड द पिक्चर वेयर अ वुमन इज एंग्री एंड मैन इज स्टैंडिंग, तो मैंने आपको दो तीन चीजों से बता दी कि कैसे आप सोच सकते हो, कौन सी गलत है कौन सी सही है। एंड वो जो मुझे मैंने बताया था प्रिया, तो व्हाट प्रिया टोल्ड मी वाज एब्सोल्युटली, मतलब आई गेव दैट एग्जांपल इन द क्लास, मैंने नहीं वो सोचा था। तो सोचोगे तो ऐसे आपको और आइडिया आएंगे, फिर आपका माइंड यूज्ड हो जाएगा तो भैया क्वेरी आई आंसर दो, क्वेरी आई रिस्पॉन्स, तो ये करने की करो तो आपकी स्टोरी भी ठीक होगी। तो स्टेज वन रीजनिंग खूब प्रैक्टिस करो इसकी, बिकॉज वहां कितना टाइम मिलता है, आप प्रेशर के अंदर होते हो, गलतियां कर जाते हो, ठीक है नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, बट या वेलकम। तो रीजनिंग की कोई भी किताब खरीदो, डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, नेट पे जो मिलता करके प्रैक्टिस करो, आई विल नॉट नेम एनी बुक। नरेशन की प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस, मेक ए ग्रुप, जैसे हमारे केवाईसी के अंदर ग्रुप बना दिया उन्होंने और वो प्रैक्टिस करते हैं। आई एम नॉट, कभी वो बोल देते हैं कि सर आ जाना तो मैं चला जाऊंगा। स्टैमरिंग, देखो स्टैमरिंग है तो यू टू फाइंड आउट व्हाई यू स्टैमर, गैप आइडिया एंड स्पीच के बीच में, सो देयर कैन बी वेरियस रीजंस, तो वो स्पीच थेरेपिस्ट कैन टेल यू, स्टैमरिंग इज नॉट एक्सेप्टेबल, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू, बट यू कैन वर्क ऑन, बिकॉज इन माई यूनिट देर वॉज एन ऑफिसर, उस टाइम पे हम भी लेफ्टिनेंट थे, ही वॉज अंडर प्रेशर यूज टू स्टार्ट स्टैमरिंग, गाना गाना है, ही कुड सिंग लाइक एनीथिंग, बहुत अच्छा गाना गाता था। तो सम पीपल डू इट बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, तो वो स्ट्रेस को हैंडल करना सीख लो। सो स्टेज वन के लिए आपने ये कुछ चीजें, आइडियाज फॉर स्टोरीज, एंड मेरे तो हर क्लास के अंदर इट इज बेस्ड ऑन आइडिया जनरेशन, अभी तक मैंने आपको रूटीन बताई नहीं है। नाउ स्टेज टू, स्टेज टू में क्या होगा आपका, जीडी होगा, ठीक है, जीडी में क्या चाहिए आपको, लेक्चर में आपको क्या चाहिए, जीओआर, मैं बाकी पीजीडी वगैरह की बात नहीं कर रहा, पीजीडी वगैरह तो आपको आइडियाज चाहिए, फाइंडिंग सोल्यूशन, तो वो एक अलग चीज होगी। तो ऐसे भी करते रहो ना छोटी छोटी चीजों में, इसका क्या हो गया, इसको ऐसे यार यहां से वहां जाना, तो अगर मान ले मेरे पास ये है तो कैसे जाऊंगा, व्हाट कैन आई क्रिएट हियर, उमलेट में बड़े वीडियो शूट हो तो उनके सॉल्यूशन मत देखो, कई एकेडमीज ने अपने छत पे बना रखे हैं, तो जब वो करा रहे होते हैं तो देखो ये स्ट्रक्चर है, ओके बंद हो गया, ये स्ट्रक्चर को मैं कैसे हैंडल करूंगा, इससे मुझे क्या मदद मिल रही है, या देयर आर मेथड्स, हो जाता है अगेन कॉज, इफ इट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस
इजीली। अगर वो टेबर क्या होता है, इट रिलेट्स टू हार्ट आल्सो, तो वो जरा आप अच्छे से चेक चुक करा के। या ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस नेट चला गया तो आपको ये कैसे दिख रहा है? ओके, बीच में आ गया ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस, इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल, इसके लिए क्या चाहिए आपको? व्हाट डू यू नीड फॉर दिस? या तो नाउ दिस शुड, इसके लिए कैसे लेके आओगे इसको? हाउ विल यू क्रिएट दैट? या स्टेमिना कैसे आएगा आपके अंदर? यू हैव टू ब्रिंग वन रिचुअल ऑफ डेली गोइंग फॉर ए रन इन योर रूटीन, कुछ एक्सरसाइज इन योर रूटीन, सो दैट यू कैन मंकी रोप को ऐसे पकड़े करके नीचे नहीं आ जाओ, पकड़ लो थोड़ी रस्सी ऐसे ऐसे चढ़ भी जाओ। तो ये आप जब करोगे तो यस, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, यू वॉन्ट टू गो टू जिम, यू वॉन्ट टू घर के अंदर ही करना है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू डू, डू इट। हमारे टाइम पे तो ये जिम जिम नहीं होते थे, तो बेड के ऊपर पैर रख लिए, हाथ नीचे जमीन पे, एंड देन डू द पुलअप्स। डिफिकल्टी लेवल धीरे धीरे इंक्रीज करते जाते हैं। योर बॉडी, योर हैंड शुड बी एबल टू टेक ऑन द वेट ऑफ योर बॉडी, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। इतनी सी ले आओ, ज्यादा वहां अखाड़े में जाना अखाड़े में जाओ। तो ये चीजें आपको यहां मदद करेंगी। इसके लिए क्या मदद करेगा आपको? इसके लिए क्या क्या रिचुअल आपको लाने पड़ेंगे? कैसे इंप्रूव करोगे? जो इसमें था वो इसमें भी आएगा, इसमें भी आएगा। यार आपने थिंकिंग से क्या लेना है यार? आपको कोई वजह होगा? हिज मार्क्स वर 89, 12th में 74, ग्रेजुएशन में 51। तो अच्छे सर की थिंकिंग मैं कैसे बता सकता हूँ? यस, आई विल हैव अ डाउट एंड यू विल टेल मी सर दिस इज द रीजन, दिस इज व्हाट हैड हैपेंड, ये मेरी, डोंट गिव एक्सक्यूजेस। जो रीजन थी आपकी सर, उसके बाद मैं उसमें चला गया, आई स्टार्टेड डूइंग दोज एक्सरसाइजेस, या मैं वो डिस्ट्रिक्ट टीम में चला गया था तो हम कॉलेज टीम में था, तो देर मे बी रीजंस फॉर दैट, दे आर नॉट एप्लीकेबल टू एवरीबडी। यस, जनरल अवेयरनेस चाहिए आपको, करंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज, उसमें से फिर ही आपके पास कंटेंट आ जाएगा, एंड एज पर द कंटेक्स्ट देन यू कैन ब्रिंग इट आउट हियर। बोलने की प्रैक्टिस आप कर ही रहे हो, करोगे ही, आपका रिचुअल आएगा। इसके लिए आपको ये चीजें चाहिए। व्हाट एल्स? और क्या चाहिए आपको? और कौन सा टेस्ट है? जीटीओ का भी हो गया, पीजीटी वगैरह के लिए आइडिया जनरेशन। सो आई विल कम टू दिस आइडिया जनरेशन। मेरे होता ये, ये सोचिंग से ही होगा। अगर मैं बोलूं ये है तो ये कर देना, ये है तो ये कर देना, ये यस कोऑपरेशन, दिस क्वालिटीज यू हैव टू इनकल्केट, मीटिंग विद फ्रेंड्स एंड दिस थिंग, किसी की हेल्प करना, कहीं गलत हो रहा है तो उसको रोकना, सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। बट इसके लिए ये आपके काम आएंगे ग्रुप टास्क में, ये आपके काम आएंगे ऑर्गेनाइजिंग योर थॉट्स, दे विल कम इन स्टोरी राइटिंग, WAT, GTO में तो मैंने बताई दिया आपको। यू हैव टू वर्क ऑन योर राइटिंग स्पीड, GP में आपको बहुत स्पीड चाहिए आपको, SRT के अंदर, TAT के अंदर, WAT के अंदर टाइम नहीं होता। अगर आपकी स्पीड बढ़ गई है, आइडिया फटाफट आते हैं, स्पीड में आप लिख सकते हो, यू विल कंप्लीट ऑल। यस, मैं कम्युनिकेशन स्किल्स नहीं बोलूंगा, आई विल ब्रिंग दिस स्पोकन इंग्लिश, ये मैंने बताया, तो ये दोनों में आपके काम आएगा, इवन इंटरव्यू में आपके काम आएगा। रिटन कम्युनिकेशन की आप प्रैक्टिस करो, फिजियोलॉजी, फिजियोलॉजी, बॉडी लैंग्वेज, हाउ यू कैरी योर बॉडी, हाउ डू यू वॉक, इसे चलते हो, और यू वॉक लाइक दिस, यू सिट लाइक दिस, वो आदत पड़ जाएगी तो वहां इंटरव्यू में ऐसे ही बैठोगे आप, वो आपको ऑकवर्ड नहीं लगेगा।
बिकॉज योर बॉडी लैंग्वेज गिव्स लॉट ऑफ थिंग्स। और इसके अंदर आपके आईज वाला जो है, जब आप कैमरे की तरफ के बोलोगे ना, कैमरे में देख के बोलना बहुत मुश्किल है। शुरू में मेरे से वीडियो नहीं बनते थे क्योंकि पहले कभी किया नहीं था, एंड व्हेन यू स्टार्ट डूइंग इट वो होने लग जाता है। तो कैमरा इज वर्स देन स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ 10 पीपल। और आप लोगों के साथ भी कर सकते हो, मेक ए ग्रुप जूम के ऊपर, गूगल मीट के ऊपर, जियो, कोई भी उसमें जाके आप कर सकते हो। बच्चे कर रहे हैं मेरे, जो हमारा केवाईसी का ग्रुप बना उसमें कर रहे हैं। यू वॉन्ट, यू कैन ज्वाइन दैट। मैंने आपको ये बता दिया कि ये जो है कर्नल रिहाल, जब आप उस पर जाओगे टेलीग्राम पे, तो t.me/ जो भी होता है कर्नल रिहाल, लाइक दिस यू पुट इट, यू विल कम टू दैट ग्रुप, अन अकेडमी वाला ग्रुप है। एंड या व्हेन यू कम गो देयर देन लुक फॉर देयर समथिंग, आज वो है नहीं कोई है उस ग्रुप का बच्चा, इसमें तो सबको बता दो केवाईसी वाला, तो देन यू कैन प्रैक्टिस। दे आर एवरीडे प्रैक्टिसिंग। मेरे को बोलते सर टॉपिक दे दो सर, एक बंदे ने किताब ही भेज दी उसके कुछ फोटो शेड करके, सर इसमें से बताओ कौन कौन से हम करें, मेरा काम आसान कर दिया उसने। या तो ये चीजें आपके काम आएंगी। एंड नाउ व्हाट एल्स डू यू हैव टू, अगर आज हम नहीं कर पाए तो डोंट वरी, मैं कभी चीज अधूरी नहीं छोड़ता हूँ। वी विल हैव अनदर क्लास ऑन दैट, थोड़ा आगे पीछे जाके हो जाएगी। जो शेड्यूल है उसको तो मैं नहीं तोड़ूंगा, बट मैं उसको कर दूंगा। अगर आप लोग उसमें आओगे तब कर दूंगा मैं। ओके, ऋषभ हैज गिवन दैट थिंग। या गुड, जो भी आपको ठीक लगता है उसमें करो आप। बट आई हैव सीन, तो मैंने ग्रुप में देखा कि बच्चे आके ना वो फिर सेल्फ प्रमोशन में चले जाते हैं। दे ऑल वांट टू फॉलो सम पीपल हु आर वेरी फेमस ऑन टीवी अबाउट एसएसबी, तो वो चाहते हैं कि हम भी वैसे बन जाए। बनो यार, बट नॉट एट द कॉस्ट ऑफ अदर्स। या उन्होंने कोई एक ऐप है वो लेके उसमें डाल देंगे, कोई एक बच्चे ने बॉट डाल दी, मैंने उसको आउट ही कर दिया वहां से। या वेलकम हर्ष, अभी तो क्लास खत्म होने वाली है बेटे, पर बाद में आप रिकॉर्डिंग देख लेना इसकी। ओके, तो ये कुछ चीजें मैंने अभी आपको साथ साथ बता दी हैं। अभी कुछ आप खुद ही बताओ मुझे, यू नीड फ्रेंड्स, यू हैव टू स्पेंड टाइम इन योर रूटीन, यू हैव टू इंक्लूड योर फ्रेंड्स, क्लोज फ्रेंड्स, सम एक्टिविटीज विच यू विल डू विद देम, टाइम स्पेंड एट होम। ये आपसे पूछते नहीं है इंटरव्यू में, योर फ्रेंड सर्कल, क्लोज फ्रेंड्स, व्हाट डू यू डू विद देम। तो आई विल नॉट राइट इट बिकॉज ये अभी आपको पता है इंटरव्यू में क्या होता है। तो ये तो समोसा ही खाते हो फ्रेंड के साथ, कितना टाइम लगता है उसके अंदर, इज इट हेल्थी फॉर यू, आई मीन व्हाट एवर यू डू, इफ इट इज नॉट गोइंग इन योर फेवर, योर रिचुअल फेवर, तो उसको हटा दो। सो टाइम पूछते हैं, हाउ डू यू स्पेंड योर टाइम टूगेदर एट होम, एक्टिविटीज यू डू टूगेदर, घर के बारे में आपके ये क्वेश्चन होता है कि नहीं। तो इट लीड्स यू टू फ्रेंड्स के साथ आप क्या करते हो, इट लीड्स यू टू, ये तो फ्रेंड होने चाहिए और उनके साथ टाइम वेस्ट नहीं। कुछ अगर मैं काम वाली चीज करता हूँ तो वो मैं करता हूँ। फैमिली, टाइम स्पेंड टुगेदर, ये क्वेश्चन होता है। तो कुछ टाइम आप रखते हो कि फैमिली के साथ बैठ के कुछ करने का, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, फैमिली शुड बी क्लोज माइंडेड ग्रुप। तो ये आपके होता है या नहीं होता, और क्या एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते हो घर के एक्टिविटीज में, डू यू हेल्प योर पेरेंट्स। अभी आजकल एक बड़ा ट्रेंड चला था, मैं पोछा मारता हूँ, मैं बर्तन धोता हूँ। अगर आप करते हो अच्छी बात है, लेकिन झूठ मत बोलना वहां पे। हफ्ते में एक दिन जाके जितना भी वो जो ग्रोसरी का सामान होता है, या आपके घर में महीने में एक बार आता है, तो मैं मम्मी के साथ जाता हूँ एंड वो सारा फिर सामान लेके हम आते हैं वहां से। आई हेल्प माई मदर इन दैट, डेली वो सब्जी सब्जी कुछ चाहिए होती, तो व्हेन आई गो, तो ये आप कंबाइन भी कर सकते हो। व्हेन यू गो फॉर अ वॉक यू कैन गेट दिस थिंग, व्हेन यू गो फॉर ऑन द वे बैक यू कैन पेइंग बिल्स, कार की सफाई। आप गांव में रहते हो तो भैंसों को नहलाना, गाय को नहलाना, देयर आर सर्टेन थिंग्स व्हिच पीपल डू इट। यस यार, इन फील्ड्स, यस यू आर वर्किंग इन फील्ड्स, दैट इज ऑल्सो अ मस्ट, वो आपके। बट इफ योर पेरेंट्स आर कंसर्न्ड कि नहीं तुम निकलो यहाँ से, जब तुम जाके पढ़ो तो थोड़ी उनकी सुन लो, बट यस
यू कैन स्पेंड सम टाइम देयर ऑल्सो। वो आपने देखना है कि आपकी कैसे रूटीन पूरी हो पा रही है। आपके नेबरहुड में फ्रेंड्स, ये तो हो गए स्कूल कॉलेज के, देन दे आस्क यू अबाउट द, मैं सारे अभी क्वेश्चन से पूछ रहा हूँ। नेबरहुड फ्रेंड्स, उनके साथ आप क्या करते हो, कौन सी एक्टिविटीज करते हो, दैट मीन्स कहीं ना कहीं आपके रूटीन में आएगा। हाँ, कुछ चीजें आप हमेशा नहीं करते हो, अभी सरस्वती पूजा थी तो आप यहाँ मनाते हैं, तो उसके लिए आपने यू टुक एक्शन, चंदा लेने गए, फिर पंडाल बनाया, जो भी करते हो, बंगाल वाले तो पक्का करते हैं। हाँ, तो यू मे हैव टू डू इट। अभी लॉकडाउन था तो मेड्स वगैरह नहीं आती थी, तो कई लोग कर रहे थे। सो जो भी आप कर रहे हो, बड़ा क्लास के बाद में ढूंढना मिल जाएगा आपको, बाकी लोगों ने ढूंढ लिया तो शायद आपको भी मिला है, कुछ गड़बड़ हो गई, स्पेलिंग देख लो नीचे। हाउ डू यू स्पेंड योर स्पेयर टाइम? सर, स्पेयर तो होता ही नहीं है, स्पेयर सबके पास होता है। मोदी जी भी स्पेयर टाइम निकाल के मोरों को खाना खिलाते हैं, पिक्चर आई थी तो। यस, तो हाउ डू यू, तो ये सबका अपना अपना है। समबड़ी रीड, समबड़ी हैज सम अदर हॉबी, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है, तो आप अपना स्पेयर टाइम कैसे यूटिलाइज करते हो? नाउ दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव टू कम इन योर रूटीन। यू हैव टू कीप सम स्पेयर टाइम ऑल्सो फॉर दीज थिंग्स। वर्क वर्क नो प्ले, गड़बड़ हो जाता है फिर। योर इंटरेस्ट, ये पूछते हैं ना, इंटरेस्ट सर, कौन सी हॉबी जो आपको अच्छी लगती है वो करो। हॉबी तो अपने आप बनती है, कोई किसी को बनवाता नहीं है। यहाँ यू हैव पेट्स, आप पेट को पूरा देखभाल करते हो, उसका जो भी उसके एक्शंस है, सुबह उसको पॉटी कराने के लेके जाते हो, लेके आते हो, बीच में दोबारा जाना पड़ता है, जाते हो, खेलते हो उसके साथ, उसको खाना वो, आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रखी है। मम्मी पे कोई उसका लोड नहीं पड़ रहा उसके ऊपर, तो दैट इज ऑल्सो ओके। एंड जो भी हॉबी है आपका, उसके अंदर कितनी प्रोफिशिएंसी है आपकी। मैंने, मेरी स्टैम्प कलेक्शन थी तो मैंने बोल दिया वहां पर, अरे मेरे को चाट गया, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, किस कंट्री का स्टैम्प होता है। मैंने बोला सर मग्यार पोस्टा, व्हाट इज मग्यार पोस्टा, आई डेंट नो। मैंने बोला सॉरी आई डोंट नो, ही सेड दे टोल्ड मी इट इज हंगरी, वो कंट्री, उसके स्टैम्प ऐसे लंबे लंबे आते थे, भूटान के स्टैम्प। देन आई सेड सर रशियन स्टैम्प्स, ही सेड उस पे क्या लिखा होता है। सिंस आई हैड दैट टोल्ड हिम सर सीसीसीपी, ही सेड व्हाट डज सीसीसीपी स्टैंड फॉर। सही सर, आई डोंट नो सर, ही टोल्ड मी कि वो यू नो ये यूएसएसआर को उसमें ऐसे बोले। मेरा ठीक है, तो ही न्यू कि मैं सट्टे नहीं मार रहा हूँ, आई हैव एक्चुअली बीन डूइंग इट। आई यूज्ड टू प्ले बास्केटबॉल, ही आस्क्ड मी आई सिंस आई प्लेड आई कुड टेल हिम। ना तो जो भी आप कर रहे हो अभी 3 दिन के लिए कर, दिस इज नॉट ए हॉबी है, ठीक है। अगर आपको अंदर से अच्छा लगता है खाना बनाना तो बनाओ, एक्वेरियंस जनरली हैव दैट हैबिट। मैं जबरदस्ती के लिए यार एसएसबी के लिए एक हॉबी बना लेता हूँ, अभी हफ्ते के बाद एसएसबी है, चलो मैं बोल दूंगा गार्डनिंग है, और पूछेगा कि भी मूली पेड़ के ऊपर लगती है कि नीचे लगती है, मूली कहाँ लगती है सर, पेड़ के ऊपर, ऊपर चढ़ के तोड़नी पड़ती है, उतना तो पता होना चाहिए। इंटरेस्ट इज समथिंग विच यू, आप जिसमें आपका फिजिकल पार्टिसिपेशन नहीं है। माई इंटरेस्ट इज वॉचिंग क्रिकेट, मैं चाह रहा 5 दिन का 5 दिन ऐसे बैठ के देखूंगा या नहीं देखूंगा, तो माई इंटरेस्ट इज देयर। हॉबी है मीन्स ही गोज एंड डज दैट थिंग, उस चीज के बारे में खाली जानकारी, इंटरेस्ट, दैट इज इंटरेस्ट। व्हेन यू एक्चुअली गेट इन्वॉल्व डूइंग इट, देन वो हॉबी वाली बात आ जाती है। योर प्रेफरेंस फॉर, आपसे गेम्स के बारे में पूछते हैं, टीम गेम्स प्लस दिस थिंग, तो अगर आपके, तो ये कहीं ना कहीं आपके रूटीन में होना चाहिए। यार इंटरव्यू में सारे रूटीन बता दिए सर, आई गेट अप देन आई डू दिस देन आई डू दिस देन आई डू दिस देन आई डू दिस थिंग, और कहीं बाद में बात हो तो हाउ व्हाट डू यू डू टू रिमेन फिट। सर आई गो टू द जिम सर। जिम, अच्छा व्हाट टाइम डू यू गो? अब वो रूटीन में बताया नहीं है, जिसकी रूटीन होगी वो कभी भूलेगा, जिसकी रूटीन में वो एज ए रूटीन ही एवरी रिचुअल है उसका, सुबह जाना ही जाना है रन के लिए, वो भूलेगा। आपने कोई रटी रटाई चीज तो ना, आप एक बार मेंटली सोचो सर आई डू दिस देन आई डू दिस, इतने बजे ये करता हूँ, इतने बजे ये करता हूँ, इतने बजे ये करता हूँ, तो यहाँ पर पकड़े जाते हैं, फिर झूठ मत बोलना, उस चीज को करो। तो ये आप देख लेना एक बार ना, जो इंटरव्यू वाले क्वेश्चन होते हैं उसके अंदर, आपका टीवी प्रोग्राम कौन सा देखते हो, आपकी रीडिंग हैबिट्स क्या है, न्यूज़पेपर पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। सर आई गो थ्रू इन शॉर्ट्स,
इन शॉर्ट पे शॉर्ट ही रखेगी आपको। यस मे बी इन शॉर्ट यू गेट मेन 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 थिंग, फिर उसको डिटेल में जाके पढ़ो, दैट विल गिव यू इनसाइट, तभी आप जीडी में पार्टिसिपेट कर सकोगे। इनसाइट वाले कुछ नहीं करेंगे वहां पे, और इन शॉर्ट्स वाले शॉर्ट्स पहनो, दूसरी इन शॉर्ट्स में रहो एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। सो रीडिंग हैबिट्स, बुक्स, मैगजीन्स, व्हाट काइंड ऑफ मैगजीन्स, व्हाट काइंड ऑफ बुक्स करते हो तो आप बोल भी सकते हो उसके बारे में, न्यूज़पेपर में सुबह क्या पढ़ते हो, फिर वो आपसे पूछेगा तो बता देना। अब न्यूज़पेपर में क्या है आपके इंटरेस्ट की, स्पोर्ट्स, एनी साइंटिफिक डेवलपमेंट्स, मेन न्यूज, कंट्री के बारे में, वर्ल्ड के बारे में, एडिटोरियल पेज विच गिव्स यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, यू विल बी वेरी छा जाओगे वहां पर आप। अगर आपने अपने खुद की ओपिनियंस बनाई हैं प्रोज एंड कॉन्स को पढ़ के, डोंट गो बाई वन दिस थिंग नेशनलिस्ट और एंटी नेशनल, उस पर मत जाओ, डोंट गेट इनटू दैट थिंग, वो अभी आपका टाइम नहीं है। और ऐसी चीज वहां दिखती है तो बड़ा गलत माना जाएगा। ऑन एनीथिंग से दिस फार्मेसी एजिटेशन, मेक योर ओन व्यूज, डोंट बी टोटली दिस साइड और डोंट बी टोटली दैट साइड, यू शुड बी एबल टू गिव आउट सर इसके ये फायदे हैं, सर इसका ये नुकसान है, एंड वॉट पीपल आर थिंकिंग सम एक्सटेंट वो है या वो नहीं है, अपनी थिंकिंग के मुताबिक, अपनी ओपिनियन के मुताबिक। तेरा न्यूज़पेपर लाइक इंडियन एक्सप्रेस, वो क्या करता है, एक दिन उसमें आर्टिकल आ जाएगा इन फेवर ऑफ फार्मर्स एजुकेशन, एक दिन डिप्लोमेटिक नहीं है, ट्रूथफुल रहो, क्या फर्क पड़ता है, बट डिप्लोमेटिक तब होना पड़ेगा जब आप झूठ बोलोगे तो। और एक दिन फिर वो दो तीन दिन के बाद किसी और का आ गया हु इज टोटली एंटी एजुकेशन, तो दोनों के व्यूज पढ़ो आप, दोनों को समझो, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखो, उसके प्रोज एंड कॉन्स रखो, जीडी में आगे तो आपके पास दोनों के प्रोज एंड कॉन्स है, सब कुछ आप वहां बात कर लोगे, इंटरव्यू में पूछो तो आप अपने व्यूज बता सकते हो। यार ये क्या, ये शॉर्टकट्स, शॉर्टकट मत मारो, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मत पढ़ो। देर एक बंदा है सर, वो सारे ना वो न्यूज का एनालिसिस बता देता है, अपना बनाओ ना एनालिसिस, यार यू शुड बी मेकिंग योर एनालिसिस, रीजनिंग एबिलिटी उसकी डेवलप हो रही है, आपकी थोड़ी हो रही है। सर मैं हॉबीज कुकिंग, क्या करते हो, सर मम्मी खाना बनाती है मैं खा लेता हूँ, ये तो वो बात हो रही है, तो इसको डेवलप करो। देन योर पर्सनल इंटरेस्ट, अपने पर्सनल चीजें, हॉबीज हमने बताई दिया, योर हेल्थ, हेल्दी रहने के लिए क्या करते हो, तो आप रन के लिए जाते हो, मैं जॉब इधर जाता हूँ, इधर करता हूँ, ये करता हूँ, नहीं खेली ठीक है तो देन से के, तो अभी शुरू कर लो, पूछे कब से शुरू की है, सर लास्ट टू मंथ, सर भाई सर SSB है थी, आप बोलोगे नहीं बोलोगे तो समझ जाएगा, बट इन स्कूल ऑल्सो यू मस्ट हैव प्लेड, एकदम तो नहीं चले, क्लासरूम के बाहर ही नहीं निकलते थे, ये नहीं करते थे, थोड़े भी जाके फुटबॉल को किक मार देते थे, कहीं बॉस को हो रही है दो तीन बॉल, बास्केटबॉल कर रही, कहीं हॉकी वॉकी खेल ली थोड़ी बहुत, गली में खेलते हो गए क्रिकेट, कुछ भी करते हो यार, लिखो उसको। गेम पीरियड नहीं जरूरत है उसकी, क्योंकि लंच ब्रेक में खेल लेते हैं स्कूल में, जब तक मम्मी पापा आते हैं लेने के लिए, स्कूल की बस आती है या कुछ भी, थोड़ा बहुत हाथ पैर मार लेते हैं वहां पे, जहां घर जाते हैं घर के बाहर भी अपने दोस्तों के साथ थोड़ी देर गली में क्रिकेट खेल लेते हैं, फुटबॉल खेल लेते हैं, आसपास मैदान है तो वहां खेल लेते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं खेल सकते। या वेलकम अंजलि, बहुत लेट आए हो। नाउ अनदर क्वेश्चन विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ए टोटली योर जनरल अवेयरनेस, समथिंग अबाउट डिफेंस, समथिंग अदर, ऑनर्स एंड अवार्ड्स, आप जिस सर्विस के लिए जा रहे हो उसके इक्विपमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन, मिलिट्री मैटर्स दोनों के उस रिलेशन में, जो भी आपके सर्विस के लिए खासकर उसके बारे में, एयरफोर्स के जरूर मुझे ऑर्डर देना, एयरक्राफ्ट फ्लाई सर वो ऐसे पायलट बैठता है ऐसे कर देता, नहीं यार उसका प्रिंसिपल क्या है, चिनूक में क्या खासियत है, चिनूक है कुछ पता है ना, चिनूक है अपाची है, दोनों में क्या फर्क है, तो दो पंखे हैं क्यों है उसके ऊपर दो पंखे, तो ये सारे, हाँ ये बर्नौली जेट, स्क्रैमजेट, रैम जेट, सारा पता होना चाहिए आपको। आजकल तो नेट पे करो सर, वो छह चीजें बता देते हैं जो आपको नहीं चाहिए, गो थ्रू देम, फिफ्थ जनरेशन, सिक्स्थ जनरेशन, अच्छा फोर्थ क्या थी, थर्ड क्या थी, टू क्या थी, फर्स्ट जनरेशन क्या थी, अब पूछ ले यार जो पूछना है, यू बी सो मच कॉन्फिडेंट जब आप उस चीज के बारे में बताओगे। सम इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल थिंग्स, सम ज्योग्राफिकल थिंग्स, कितने स्टेट इंडिया में तो पता होना चाहिए, कितने यूटीज में पता होना चाहिए, वो बोले एक साइड से लेके ऐसे बता दो, जो दूसरे कंट्री के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं एक बार देख लो यार, याद कर लो उसके बाद क्या है, पूछेगा कौन से सदस्य, एक साइड से शुरू करके बता दो, जिस साइड से भी बोलता हूँ उधर से शुरू करके बता दो।
Yes, you should know, yeah. If you are going for AFSB, knowing about Air Force and aircraft, अच्छी बात है. हेलीकॉप्टर कैसे उड़ता है, जहाज कैसे, नेट पे आजकल सब मिल जाता है यार. हाउ डू थिंग्स वर्क में पता नहीं, वो कार्ड वो बना के थ्री डी दैट एनिमेशन सब दिखा देते हैं. इफ यू हैव म्यूजिक सर, आई लाइक म्यूजिक. ओके, व्हाट म्यूजिक सर? ऐसे ही अगर एफएम लगाए तो चलता रहता है, तो देन डोंट कॉल इट. अगर आपको कुछ म्यूजिक में कुछ रियली कोई शौक है तो यस, आई लाइक रॉक, I love that, whatever is that thing, जिसमें खाली हल्ला मचाते रहते हैं, hard rock or something, जो भी होता है. तो ये जो है तो है, then you should have knowledge about that, about various sports and games, IPL. अभी आप जो मतलब परसों गया, so who got सबसे ज़्यादा, yes, it's very good. हाँ, अगर आप लूट जाते हैं, तो किसका सबसे IPL में auction में सबसे ऊपर कौन था? If you have been aware, पता होता है कि sir so and so was there about the current affairs. These are the things which should part of your rituals. इन चीजों के बारे में आपको टाइम रखना है कि I'll find some time for this thing. I'll find some time for this thing. आपने इसके लिए करना है. Cater for some time for that. आपको टाइम है, उसके हिसाब से उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो. गुड गुड, इफ यू नो इट. वहां पर भी ऐसे फट से आना चाहिए. नो, जनरल रूटीन, जनरल रूटीन में आप क्या करोगे? देयर आर थिंग्स जो आपके एकेडमिक्स, हो सकता है आपके स्कूल चल रहे हैं, कॉलेज चल रहे हो सकता है नहीं चल रहे हैं, वो टाइम आपके पास अलग टाइप से होगा. आपके वीक टॉपिक्स क्या है, नेचुरली यू शुड फोकस मोर ऑन देम. योर इंग्लिश, your GK, current affair, general awareness, then your hobbies, ये सारी आपके routine में आपने लेके आनी है. You like to do meditation, yoga, going for a run, going to gym, ऐसी चीजें, reasoning की practice, reading skills, communication skills, socializing, talking with friends. थोड़े से 10 मिनट का टेक पावर नैप ऑल्सो इन द आफ्टरनून, या एक घंटे का मत रख लेना. पावर नैप मींस वेरी क्विक. क्यों मिल जा रहा है? अपनी मर्जी से ही ले जा रहा है. ओके, व्हेन डू यू हेल्प फॉर द फैमिली थिंग? Do you break your routine to do that, or you have kept some time? So when I go out, first time I'm doing it. And this is a Sunday. Come, I've kept a little routine. I do this. I watch a movie. I watch a movie. See, man, no one stops you. This is Pushpesh. Our poll on this was also done. My statement is correct or not? And you are in that support only. So physical fitness for you, I have done. Entertainment, man. Now entertainment doesn't mean that Netflix. I'm addicted to. Amazon Prime वाले का मैं addict हूँ. नहीं, don't become an addict. Yes, I do take some time. और इसीलिए अच्छा है वो वाला serial देखता हूँ जो आधे घंटे के बाद खत्म हो जाता है. That is the time. और कब करता हूँ? No, you can combine it. जब मैं खाना खाता हूँ उस time पे मैं ये भी कर लेता हूँ. जब मैं इस काम के लिए जाता हूँ तो मैं ये भी कर लेता हूँ. क्योंकि इतनी चीजें कैसे कर लोगे? तो कुछ आप डेली नहीं करते होगे शायद. कुछ आपको डेली ही करनी चाहिए. What kind of diet you follow? Routine में नहीं है, but then do you stick to it? ठीक है. Breakfast में क्या खाते हो? We can ask anything on the earth. Breakfast, lunch, dinner. Entertainment के लिए क्या करते हो? TV, movies. Sir, मैं phone लगाई, headphone लगा के मैं 15 मिनट ऐसे बैठता हूँ. ठीक है यार. तो मुझे क्या सुनते हो? बता देना. You need some time for introspection. You need some time for सेल्फ असेसमेंट. जो सब्सक्राइब्ड हैं आप वो मेरे KYC कोर्स में जाके देख लेना. सेल्फ असेसमेंट, सेल्फ अवेयरनेस और इसके बारे में. ठीक है. मे बी यू डिडंट अटेंड द क्लासेस बट यू कैन हैव ए लुक. और जो मेंबर नहीं हो तो प्लीज यूज दिस
मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, यू विल गेट समथिंग। मैंने अनअकैडमी ज्वाइन ही इसीलिए किया है, सो दैट जो मेरे को इतना, आई ज्वाइंड आफ्टर रिटायरमेंट आई वेंट टू एमबीए कॉलेज, इट वाज इन सेमी रूरल एरिया, वहाँ बच्चों को उनको दैट स्पोकन इंग्लिश ऐसे ही कराता था मैं। उस टाइम पे इतनी रिकॉर्डिंग की वैल्यू, तो हमने कैमरा ले रखा था उस पर करते थे। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन पर्सनल डेवलपमेंट, बैकग्राउंड वॉज देयर GTO, then joint director. I used to be closely associated with DIP, जहाँ पे training होती है, तो मैं वहाँ जाके फिर अपना जो psychology वगैरह का भी मैंने जितना चाहिए था सीख लिया, जो सिखाने के लिए काम आ जाए। आपकी मर्जी है भाई, you must be having your own reasons. Here he says that his favorite subject is maths, but I have taken chemistry also. It is your reason. You have to be justify ke why you have taken. He may ask you about this. Yes. Did you learn from your past mistakes? Pehle bhi thi, aaj bhi hai, kal bhi rahengi. Then nahi hoge. Last class I gave an example of my 6-time repeater. Aur usne kya kya kiya tha, kaise kaise usko maine joote lagaye the, usko get out bhi bolta tha, fees le aur ja tu yahan se. So keep pace with ongoing, kya ho raha hai zamane mein. Any competitions, participation in that, if you can, do it. Very important, spend time with family. तो उस टाइम पे आप डिनर का टाइम पे बैठते हो साहब, हम इकट्ठे बैठ के ये मूवी देख लेते हैं, हम इकट्ठे बैठ के ये सीरियल देखते हैं। सैटरडे संडे तो हम कपिल वाला शो नहीं मिस करते, हम वो देखते हैं, जो भी आप करते हो, मतलब मैंने बोल दिया इसका मतलब नहीं है। एंड वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आज मैंने क्या किया, कल मैं क्या करूँगा, some time for this you have to keep. इसके मैंने questions बनाए हुए हैं, but आज time नहीं permit कर रहा, we have already overshot. आपको भी भूख लग रही होगी, मैं तो गुजारा कर लेता हूँ, फौजी हूँ, but I will get, madam will start. हाँ तो ठीक है, if you didn't score good, there must be your reason. यार क्यों नहीं कर पाए उस time, बस I got confused in the exam, तो बस वो कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है, हो जाता है, उसको भी याद आएगा, हाँ यार मेरे साथ भी ऐसे हुआ था एक बार। एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कीप योर फिक्स्ड टाइम फॉर स्लीपिंग, इतने घंटे आप रोज सोते हो और इतने बजे आप उठ जाते हो, स्नूज का बटन निकाल ही दिया, बिना स्नूज वाला ले लो कोई चीज जिसमें स्नूज की ऑप्शन ही ना है। हाँ आपको ज्यादा ही होता है, आई डू, अगर मेरे 4:30 उठना है तो मैं 4:15 का लगा लूंगा, एक बार स्नूज मार दिया, फिर अभी यार वो कई बार फिर भूलेखे में रह जाते हैं, फिर टाइम क्रॉस हो जाता है, तो वो नहीं होना चाहिए। एंड यू हैव टू गेट फेमिलियर विद योर डेली रिचुअल्स, मैं क्या करता हूं दिन भर में वही नहीं पता, आज मैं क्या कर रहा हूं एज ऑन डेट, आज मीन्स आजकल मैं क्या करता हूं, what kind of daily weekly rituals do I consistently indulge in or consistently do, inme se kaun si hai jo mujhe acha mehsoos karte hain, wo temporary short term wala nahi, overall acha mehsoos karate hain, aur inme se kaun se hain jo actually mere liye, mere career ke liye, mere development ke liye अच्छे हैं, या उसके अंदर आप एक सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़ते हो। और लोग क्या करते हैं आजकल, सेल्फ डेवलपमेंट की वो किताब खरीदी, किताब भी नहीं खरीदते, आजकल नेट में मिल जाता है उसका सिनोप्सिस पढ़ के ठुक देंगे, पकड़े जाओगे, ठुक जाओगे। और इनमें से कौन सा जो है जो अच्छा भी लगता है, अच्छा तो लगता है लेकिन मेरे ग्रेटर गुड के लिए ठीक नहीं है, जो मेरे, जो मैं अचीव करना चाहता हूँ उसको अचीव करने के लिए नहीं, अच्छा तो लगता है बट देन इट विल नॉट टेक मी देयर, विच ऑफ दिस रिचुअल्स आर प्लेजर गिविंग एंड अल्टीमेटली लीड टू पेन, एंड विच आर प्लेजरेबल एंड गिव यू अल्टीमेट प्लेजर, पेनफुल नाउ, पढ़ाई, नॉट सीइंग द मैच, नॉट डूइंग दिस थिंग, पेनफुल नाउ, पर आगे चल के ये मेरी बहुत मदद करेंगे। फिर किसी ने नहीं पूछना कि आपने वो IPL का फाइनल देखा था कि नहीं देखा था, किसी ने नहीं पूछना, it will be your what you earn, your job, that thing will count. beta book summary dekho, uske baad book khareed lo, achhi lagi to fir usko padh lo. ye book summaries ke basis pe assess bhi nahi kar paoge aap,
पकड़े जाओगे वहां पे, 2 मिनट लगते हैं। ही वुड हैव रेड इट। आप सोचते हो कि वो अच्छे से पढ़ते नहीं है सर, दे ऑल्सो हैव डेली रिचुअल, वो भी पढ़ते हैं चीजें। इफ ही हैज टू बी 10 स्टेप्स अहेड ऑफ यू देन ओनली ही कैन असेस यू। जो जीटी हुआ था, ही हैज टू हैव अ वेरी हाई ओआईआर, ही शुड हैव बीन क्लियर्ड बाय एट अ सर्टेन लेवल व्हेन ही वेंट टू द एसएसबी। इमेजिन, वो रिकॉर्ड होता है। आई केम टू नो व्हेन आई वेंट एज जॉइंट डायरेक्टर, ओके मेरे पास ही होता था। तो लगता है तो लेंथी ठीक है, 15 पेज पढ़ लो, 20 पेज पढ़ लो, इट मे टेक 1 मंथ टू फिनिश दैट बुक। जब फ्री होते तो उस टाइम पे कर लो अपना। मैं तो अभी भी, मेरे को डांट पड़ जाती है अभी भी, खाना खाते खाते खाना भी खा रहा हूँ पढ़ भी रहा हूँ। तो यू सी कौन सी चीजों को आप कंबाइन कर सकते हो, एंड कौन से वो आपके डेली रिचुअल हैं जो आपको एक अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, पॉजिटिव में आपको लॉन्ग टर्म की तरफ लेके जा रहे हैं। इनमें से कौन से हैं जो एम्पावरिंग है, जो मुझे पावर दे रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, मोटिवेटिंग है मेरे लिए, इनको ढूंढो आप। कौन से हैं जिनको मैं हेल्पफुल समझता हूँ मेरे, जो मैंने करना है अपने गोल के लिए, एंड विच आई फाइंड अनहेल्पफुल व्हेन यू एनालाइज। यस, आजकल एक्सेप्टेबल है कि 11वीं 12वीं में बच्चों को टाइम नहीं मिलता है, पढ़ते नहीं है, हॉबीज वगैरह ज्यादा नहीं करते हैं, गेम्स भी नहीं खेलते हैं, बट देयर आर चिल्ड्रन हु मेंटेन अ बैलेंस। देयर आर पीपल हु आर टोटली, अब टोटली इनटू एकेडमिक्स थे, मार्क्स कहाँ हैं? मार्क्स भी सपोर्ट कर रहे हैं तो अच्छी बात है, मार्क्स नहीं सपोर्ट कर रहे, पढ़ते रहते तो मार्क्स तो आए नहीं, तो ये भी नहीं होना चाहिए। करेक्टर भी हाई रखो, इंटेलेक्ट भी हाई रखो, नथिंग इज हायर। बहुत उन्हें बैलेंस्ड पर्सनैलिटी देखनी है। कौन से जो रिचुअल्स हैं मेरे जो मुझे किसी भी तरीके से आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, हाउ आर दे शेपिंग अप माई लाइफ। जब आप ऐसे इनको करोगे ना, अभी आप कई चीजों को, एटलीस्ट जब उन चीजों को आप करोगे तो आपको बैड फील होगा। ऐसे नौबत मत आने दो, विल पावर रखो और उनको आउट 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 आउट, देन यू विल फाइंड 24 आवर्स आर मोर देन सफिशियंट फॉर यू। सर्टन रिचुअल जो आपके काम के नहीं है उनको निकाल दो, जो काम के हैं अभी हमने कई सारे डिस्कस किए हैं, उनमें से कौन कौन से मेरे को चाहिए। एवरीबडी मे नॉट नीड दैट, इसीलिए मैंने बोला कोई 5:30 बजे उठता तो आप 5:30 बजे से बनाओ, कोई थोड़ा लेट उठता है रात को, ज्यादा लेट थोड़ा लेट सोता है, वो अपने टाइम से बनाओ। आपको किस चीज की ज्यादा जरूरत है उसके टाइम से बनाओ, वो आपकी आइडियल रूटीन होगी, नॉट बाई व्हाट आई फील और व्हाट समबडी एल्स फील, या मेरे दोस्त ने भी ऐसे बनाई मैं भी ऐसे बना लेता हूँ। नो, व्हाट सूट्स हिम इज फॉर हिम, व्हाट सूट्स यू इज फॉर यू। और ये जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं इनको समझ लो, एंड इन द नेक्स्ट क्लास व्हेनेवर आई एम एबल टू टेक इट आई विल कवर, ये पूरा मैं आपको स्क्रीन पे लिख के दे दूंगा। बट इफ यू हैव बीन लिसनिंग, और इन एनी केस रिकॉर्डिंग तो है ही आपके पास, हाँ वो फास्ट फॉरवर्ड करके वहां जाके थोड़ा सा देख लेना, फिर रिवाइंड कर लो देख लो। ये बेटा एक चीज बता दूं, ये एक दिन में समझने वाली चीजें नहीं है, यू मे हैव टू सी इट अगेन एंड अगेन, 2 बार 3 बार, जल्दी समझ जाए तो एक बार में पकड़ लो, कई लोग सुन लिया वो समझ आ गया खत्म। कोई भी सारी कोई बुक अच्छी नहीं है, सारी अच्छी है, मतलब कोई खराब नहीं है जो सेल्फ हेल्प वाली है। दिनों से कुछ छोड़ो, अभी फोकस ऑन द प्रेजेंट। एक और वायरस लेके दिमाग में मत डाल लो, जब आएगा तो करेंगे उसको भी। अभी मैं सुन रहा सर को पता नहीं है इसलिए ऐसे बोल रहे, मुझे पता है, छोड़ो यार प्रेजेंट। 3 बार पूछ लिया इसी को अलग अलग लोगों ने, नहीं इसकी बंदे ने पूछा है। देयर इज अ बुक ऑन, अगर आप चीजों को टालते हो ये बुक पढ़ लेना, ईट दैट फ्रॉग। अभी कि आगे चल के एक ग्रुप में हो गए तो आप मुझे बताएंगे सर मेरे को इस चीज को इम्प्रूव करना, तो उसके लिए सेल्फ हेल्प की मैं बता दूंगा। ज्यादा कर लोगे ना ऐसी चीजें सेल्फ हेल्प वाली, वो फिर फंस जाओगे, उसको करना भी पड़ता है, फिर उसको खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू डू इट। ऑथर एंड सी किताब पढ़ो, इट बी, अगर आपको चीजें टालने की आदत है ना, इट बी वेरी वेरी यूजफुल फॉर यू। चलो ओके, व्हाटएवर एक्सटेंशन आई हैव टेकन, 20 मिनट मैंने एक्स्ट्रा ले लिए,
एंड दैट्स ऑल ओवर. एंड परसों जो हमारी क्लास है दैट इज ऑन SRT, तो हम उसकी थोड़ी थ्योरी करेंगे एंड प्रैक्टिस करेंगे क्लास में. यू गेट सम आइडियाज देन इम्प्लीमेंट देम. आई कांट गिव यू कि वो 4 घंटे प्रैक्टिस करो, नहीं, उसके बाद आप प्रैक्टिस करना, आपको मदद मिलेगी. और ये चीज जो है इसको हम आगे बढ़ाएंगे, पार्ट टू कर देंगे इसका. चलो ओके देन, थैंक यू वेरी मच, गुड नाइट, बाय बाय, एंड लेट्स क्रैक इट. I don't believe in cracking it, but yes, let's crack it. It maybe you have gained by that, पर वहाँ वो सट्टा नहीं मार सकते. सर my hobby is reading books. फिर ये मत बोलो, बट सर कभी कभी पढ़ लेता हूँ, तो मैंने एक पढ़ी थी सर, then it is okay. चलो बार बार वार्निंग आ रही है मेरे को. बाय.